नमस्कार, स्वादिष्ट पिटारा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे वेट लॉस करने वाले लोग भी खा सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके पैन रखेंगे, इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। इसके बाद इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे चलाते हुए एक मिनट तक पका लेंगे और साथ ही इसमें अब हम मिर्ची भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। अब इसे 2 मिनट तक हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाते रहना है चलाते हुए। और 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम पनीर और छोले ऐड कर देंगे। छोले मैंने पहले ही भिगा दिए थे, रात में भिगा दिए थे, सुबह उन्हें निकाल कर कुकर में डाल के 5 सीटी लगा ली हैं। इसमें हम काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर भी मिला देंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद करीब 1 या 1.5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए पक्के ये तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर से हरा धनिया और सेव डालकर भी खा सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए और यकीन मानिए ये सबको पसंद आएगा। और मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।